हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे चैप्टर 5 ईवीएस अनीता एंड द हनी बी। ये कहानी है अनीता की और हनी बीज की। इस पार्ट में हम लोग अनीता के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ट्रू स्टोरी है अनीता के बारे में, और ट्रू स्टोरी मतलब ये अनीता की लाइफ की एक सच्ची कहानी है। और अनीता कौन थी? एक गर्ल स्टार। ये अनीता एंड द हनी बी स्टार्ट करते हैं। द माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा। ये बता रही लड़की बता रही है कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बचाहा विलेज। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये अनीता कुशवाहा की रियल स्टोरी है, सच्ची कहानी है। जो कौन थी? एक गर्ल स्टार थी। गर्ल स्टार क्या था? गर्ल स्टार इज़ ए प्रोजेक्ट विच टेल द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टेल्स of ordinary girls who changed their life by going to school. Girl Star एक government का जो project था उसका नाम था, जो साधारण लड़कियाँ जो थी उनकी ordinary लड़कियाँ जो होती थी उनकी extraordinary, उनकी जो एक साधारण लड़कियों की कुछ special कहानियाँ, special जो कहानियाँ थी उनके बारे में बताती थी, जो कि school जाया करती थी। ठीक है, अब start करते हैं यहाँ से। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा। आई लिव इन बोचा विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। अभी इसमें क्या है, जैसे ये एक इंडिया का मैप है, राइट? ये एक इंडिया का मैप है, इसमें यहाँ पर बिहार है यहाँ पर, और बिहार के जो बिहार इंडिया का एक स्टेट है। ये इंडिया हमारा कंट्री है पूरा, यहाँ पर बिहार एक स्टेट है, इसके अंदर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके अंदर ही एक विलेज है जिसका नाम था बचाहा विलेज, यहाँ पर अनीता रहती थी। ठीक है, आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर। वो किसके साथ रहती थी? अपनी मम्मी पापा के साथ और दो छोटे भाई। तो फैमिली में कुल कितने लोग हो गए? अनीता के मम्मी पापा और दो भाई, 5। तो एक छोटी सी फैमिली थी 5 लोगों की। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं एक कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। मैं पढ़ने के अलावा छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। आई वाज आल्सो कीप हनी बीज। मैं जो हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ भी पालती हूँ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, राइट? ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। वो कहती है कि इतना ईजी नहीं था ये सब करना। अनीता कुशवाहा एक गर्ल स्टार थी, जो एक साधारण सी लड़की थी जिसने स्कूल जाकर सीखा, और उसकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ स्पेशल कहानियाँ इसमें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और ये उसकी एक ट्रू स्टोरी थी, जो कहाँ रहती थी? बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बोचा विलेज, उसके विलेज का नाम था, जिसके जो रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ और दो छोटे भाइयों के साथ। अभी वो कॉलेज जाती है, लेकिन वो स्टडी के साथ साथ छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है। एंड ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये मेरे लिए आसान नहीं था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटी थी तो बहुत मुश्किल, उसको बहुत मुश्किलें होती थी, तो ये उसके बारे में बता रही है। आई यूज़ टू स्पेंड ऑल माई मनी विद माई गोट्स एज दे ग्रीस फॉर फूड। कहते मैं अपनी जो उसकी जो गोट्स थी, उसकी जो गोट्स थी उनको भी घास खिलाने के लिए वो जैसे जगह जगह लेके जाती थी कि उनका पेट भर सके और खाना खा सकें, ये भी वो करती थी। देखो कितना स्ट्रगल है। आई ऑलवेज वॉन्ट टू गो टू स्कूल। मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स फॉर गोइंग टू स्कूल। मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे वो लड़कियों को स्कूल जाने वाला आइडिया, जो पहले जो पुराना टाइम था, जहाँ अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ स्कूल्स नहीं होते, जहाँ स्कूल थोड़े दूर होते हैं, जहाँ कुछ लोग सेफ्टी के रीज़न से डरते हैं, जहाँ कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आज भी सोचते हैं अगर उनको ऑप्शन हो गर्ल्स और बॉय, तो वो सोचते हैं हम बॉयज़ को पढ़ाते हैं, गर्ल्स की तो शादी कर देंगे, वो अपने घर चल जाएगी, लेकिन लड़का है उसकी उसका अर्निंग होना चाहिए। तो ये आइडिया रहता था। My parents did not like the idea that girls going to school. तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए था। अभी बुक के नीचे आपने देखा होगा, इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, अनीता कुशवाहा इज़ ए गर्ल स्टार। ठीक है, जैसे ये सच्ची कहानी है, ये लड़की सच में थी और ये अनीता कुशवाहा एक गर्ल स्टार थी। गर्ल स्टार क्या था? कॉमेंट का एक प्रोजेक्ट था। गर्ल स्टार इज़ ए प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टेल्स ऑफ ऑर्डनरी गर्ल्स। जो साधारण लड़कियां होती थी, जो नॉर्मल फैमिली की लड़कियां होती थी, उनकी जो स्पेशल कहानियां, टेल्स मैंने कहानियां
हु हैव चेंज दियर लाइफ बाई गोइंग टू स्कूल, जो स्कूल जाके जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली, ठीक है, ये उसके बारे में है। अनीता के स्ट्रगल के बारे में है, कैसे उसके पेरेंट्स अलो नहीं करते थे लेकिन फिर भी वो गर्ल स्टार बनी, और कैसे वो उसका था कि उसे स्टडी करनी है, ये पूरी स्टोरी उसके बारे में, उसके स्ट्रगल के बारे में। नेक्स्ट पेज पे है, आगे है ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई पीप्ड इनटू द विलेज स्कूल। पीप्ड मतलब झांकना, चोरी से ऐसे छुप के देखना, पीप्ड मतलब छुप के देखना। आई कुड नॉट स्टे अवे। मैंने एक बार, अनीता बताती है अपनी एक कि अपने बारे में बताती है कि एक बार वो गर्ल्स का जो उनके गांव का स्कूल था वहाँ उसने छुप के देखा तो वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। जब उसने देखा तो उसको भी लगा कि उसे भी स्टडी करना चाहिए। इट आई कुड नॉट स्टे अवे। तब से मैं कहती हूँ उससे बच नहीं पाई, मुझे लगा कि मुझे पढ़ना ही है। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द, मैं चुपचाप कहती हूँ मैं चली गई और वहाँ पर जो स्कूल में जो बच्चों के सबसे पीछे जाके बैठ के, आई फेल्ट सो हैप्पी। जब उसने देखा कि वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर नई नई चीज़ें बताते हैं, तो उसे बहुत खुशी हुई। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टेल माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। वो फिर उसको ताकत मिली, उसे लगा कि हिम्मत मिली कि हाँ, और उसने घर जाके अपने पेरेंट्स को बोला कि भैया मुझे तो पढ़ना है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फैमिलीज़ में या कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग डरते हैं, कुछ सेफ्टी रीज़न है, जैसे कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, तो इसलिए कुछ रीज़न थे। तो बट दे टोल्ड देम क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो, लेकिन मम्मी पापा बिल्कुल नहीं सुने और उन्होंने सीधा बता दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो आप स्कूल नहीं जा सकते। जैसे अनीता जब स्कूल गई, उसने देखा कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना मज़ा आता है, कितना कुछ सीखना पड़ता है और अच्छी लर्निंग हो जाती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब उसने घर आके बोला कि उसे हिम्मत आ गई स्कूल में कि देखो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं भी अपने मम्मी पापा को बोलूँगी कि मुझे भी अच्छा सीखना है क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो घर जाके जब बोलती है तो पेरेंट्स कहते हैं, बिल्कुल टोटली मना कर देते कि नहीं, पॉसिबल नहीं। आई क्राइड एंड कर, पूरा दिन वो रोती रही। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स, लेकिन कुछ टीचर्स थे उनमें से एक टीचर ने मेरे मम्मी पापा को बताया कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड दैम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 5th। तो मेरे जो स्कूल में जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि स्टडी एक हमें रियल ह्यूमन बनाता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं जो हमारे लाइफ में काम आता है, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेरेंट्स उसके इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मे बी उनका कोई फाइनेंशियल इशू होगा, तो टीचर्स ने उन्हें ये भी एक्सप्लेन किया कि आपको 5th क्लास तक कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 5वीं क्लास तक सारी स्टडी टोटल फ्री है, आपको टेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। टीचर सेड दैट इट वॉज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। उन्होंने कहा कि 5वीं तक अनीता बिल्कुल फ्री पढ़ेगी और सारी ये सब बच्चे का हक है कि वो स्कूल जाएं, ठीक है। सम हो माई पेरेंट्स, जब टीचर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपका बच्चा बिल्कुल फ्री पढ़ेगा और स्टडी के लिए 5th तक कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, तो मम्मी पापा समझ गए तो और उन्होंने स्कूल जाने के लिए मान गए। सम हो माई पेरेंट्स एग्रीड, आई स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, और मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया। अनीता कहे कि मेरे टीचर्स ने समझाया जब पेरेंट्स को, पहले तो वो नहीं मान रहे थे, जब मैंने स्कूल में गई मैंने देखा वहाँ बहुत अच्छी अच्छी स्टडी होती है, जब मैंने घर जाके बोला उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर एक मेरे स्कूल की एक कुछ गाँव की टीचर्स थे, उन्होंने समझाया, फिर वो समझ गए, तो एट लास्ट फिर उन्होंने मान गए कि चलो ठीक है 5वीं तक स्टडी फ्री है, 5th तक तो हम भेज देंगे क्योंकि हमें कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। मे बी उनका फाइनेंशियली रीजंस हो सकते हैं, ठीक है ना। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, कहते हैं लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, बट आई ऑलवेज आस्क गुड मैनी क्वेश्चंस, और लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती थी। अभी जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके टीचर्स हमेशा पूछते हैं, जहाँ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो आपसे हमेशा पूछते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है, इंक्वायरी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो। कुछ बच्चे आपने देखा, कुछ लोग बच्चे टॉप नहीं करते, अच्छे मार्क्स नहीं लेते, लेकिन उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछते हैं, तो इससे भी नॉलेज बढ़ती है आपकी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे आपको अपने लिए अच्छे अच्छे ऑप्शंस ढूंढते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अब आगे है, हो
फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन अ ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। अभी क्या होता है कि जब हम स्कूल जाते थे, अभी तो चलो ऑनलाइन क्लासेस हैं कोविड की वजह से, जब हम स्कूल जाते थे तो हम बहुत ज़्यादा पे करते हैं। अब एक छोटा सा उन्होंने चार्ट दिया है कि वो आप अपने हिसाब से फिल करिए कि आप कितना पे करते हैं। जैसे इसमें थिंग्स लिखा हुआ है, इसमें मनी स्पेंड लिखा, थिंग्स में जैसे ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक, मान लीजिए कुछ लोग स्कूल बस में जाते हैं, कुछ लोग ऑटो में जाते हैं, ठीक है, तो वो पे कर दो। क्या पूछो अपने मम्मी पापा से वो कितना पे करते हैं, यहाँ लिख दो। अगर लेकिन आप बाय फुट जाते, मतलब पैदल जाते हैं, ऑन फुट जाते हैं, तो आप लिख दो ज़ीरो। अभी नोटबुक्स जो होती हैं, कॉपीज़ जो हम नोट्स बनाते हैं, जो टीचर्स हमें जो प्रैक्टिस शीट्स देती हैं उनको, जहाँ पर नोट डाउन करते हैं, नोट्स लिखते हैं, वो उसका कितना खर्चा है, यहाँ लिख दो। पेंसिल्स, पेन, एक्सेसरीज, कलर्स, पेपर्स और पेंसिल, रेजर, जो भी एक्सेसरीज है, जो भी चीज़ें हमारी स्टडी में काम आती हैं, वो सब आप यहाँ लिख दो पूछ के। अब यूनिफॉर्म्स, कुछ स्कूल्स में दो दो यूनिफॉर्म्स हैं, कुछ स्कूल्स में ग्रुप के हिसाब से हाउसेज बने हैं अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म, वो लिख लो आपका कितना एक्सपेंडिचर है। आप स्कूल बैग्स देख लो कितना एक्सपेंडिचर है, मम्मी पापा से पूछ कर जी आप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं। अब लंच बॉक्स, आपने कितने का लंच बॉक्स लिया वो लिख दीजिए। शूज़ हैं, इसके अलावा कोई और थिंग, जैसे आप ट्यूशन फीस पे है, आप स्कूल फी, वो सारा टोटल आप यहाँ पर कर लिए कि आप कितना एक स्कूल में कितना पे करते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट पेज टर्न करने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं। अनीता एंड द हनी बी एक ट्रू स्टोरी है गर्ल स्टार की, जो कि अनीता थी। अनीता जो थी वो बिहार के मुजफ्फरपुर नगर जो डिस्ट्रिक्ट था उसके बोछा विलेज में रहती थी। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और वो हमेशा ही अच्छा स्टडी करना चाहती थी, लेकिन वो अच्छे से कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स और इस आइडिया को पसंद नहीं करते थे कि गर्ल्स को स्कूल जाना चाहिए। एनी हो, जब टीचर्स ने उन्हें पेरेंट्स को समझाया कि 5th तक स्टडी फ्री है, तो उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया। ये अनीता को गर्ल स्टार क्या है, अभी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि गर्ल स्टार क्या होता है, तो बुक के 5th चैप्टर है वहाँ पर वो नीचे ही दिया गया है। इट इज़ अ ट्रू स्टोरी। अब नीता कुशवाहा इज़ ए गर्ल स्टार। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर गर्ल स्टार, तो आप यहाँ से याद करेंगे, गर्ल स्टार इज़ अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टेल्स ऑफ ऑर्डनरी गर्ल्स हु हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स इन दिस ईयर। अभी हम जब अब 4th में हुए हैं तो हमने बुक्स भी ली हैं, कितना हमने स्पेंड किया यहाँ लिख देना है। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, किस तरह की यूनिफॉर्म है, और ये ड्रॉ पिक्चर है, ये एक्टिविटीज़ है, देख लें अगर आपके टीचर्स आपको बोलते हैं तो एक्टिविटीज़ करिए। आगे है स्टेइंग इन स्कूल। ठीक है, टाइम पास्ड एंड सो आई कम्प्लीट क्लास 5th, कहती टाइम, फिर वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करती है कि समय बीतता गया, मैंने 5th क्लास पूरी कर ली। आई नो दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर मनी इन क्लास 6th, कहती मैंने 5th तक तो स्टेबिलिटी, जो टीचर थे गाँव के उन्होंने बताया कि 5th तक आपकी स्टडी बिल्कुल फ्री है। अब कहती मुझे पता था कि अब मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे क्योंकि मैं क्लास 6 में हो गई हूँ। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव द स्कूल, मम्मी पापा ने बोला कि अब थोड़ा बर्डन पड़ेगा पैसों का, फाइनेंस का, तो अब आप स्कूल छोड़ दो। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं ज़्यादा और पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, अभी स्कूल जाएंगे तो खर्चा तो होगा बुक्स का, कॉपीज़ का और छोटी मोटी एक्सेसरीज जो प्रोजेक्ट वगैरह काम करने पड़ते हैं, तो आई, लेकिन अनीता कहती है मुझे तो और स्टडी करनी थी। ठीक है, तो मैंने एक और तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला, आई स्टार्टेड टू टीच यंग चिल्ड्रन, यंग मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड टू टीच यंग चिल्ड्रन, ठीक है, फ्रॉम द मनी दैट आई गोट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी, तो उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ। ये देखिए पिक्चर आपकी बुक में दी गई, ये अनीता कुशवाहा हैं जो छोटे बच्चों को टीच कर रही है, देखिए टीच कर रही है किस लिए, कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। एक और स्वीट मेमोरी अनीता शेयर कर रही है, आई रिमेंबर सम ओल्ड बॉयज़ इन माई विलेज आल्सो यू टू टीच यंग चिल्ड्रन, कहते मेरे गाँव में भी कुछ लड़के थे जो बड़े लड़के थे वो छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे, दे डिड नॉट लाइक इट वेन आई स्टार्ट टीचिंग, तो जब मैंने भी पढ़ाना शुरू कर दिया तो उन्हें लगा होगा भैया कंपटीशन हो गया, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उन लड़कों को। दिस स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन, वो बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया, सो दैट दे वुड
वुड नॉट कम टू मी, क्यों? और इसलिए कि वो बच्चे उनके मतलब मेरे साथ, मेरे पास, मतलब अनीता के पास पढ़ने ना जाएं, और जो दूसरे लड़के उनके साथ ही उनके उनसे पढ़ लें. फॉर सम टाइम्स ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी, कि दो बच्चों को छोड़ के बाकी सब बच्चों ने आना छोड़ दिया क्योंकि वो डर गए थे. बट सून दे ऑल कम बैक, लेकिन वो सब आ गए दोबारा. क्यों? बिकॉज आई यूज टू टीच दैम विद लव एंड केयर, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार से पढ़ाती थी, बहुत अच्छे से पढ़ाती थी. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा स्टोरी. अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, अभी ये बेसिकली ये अनीता की कहानी है, उसके स्ट्रगल की कहानी है कि कैसे उसने एक कैसे वो एक गर्ल स्टार बनी, कैसे वो स्ट्रगल है. और इस यहाँ तक हमें ये समझ में आता है कि स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें पढ़ना चाहिए. और फिफ्थ तक जैसे हमें बताया गया है कि फिफ्थ तक सभी बच्चों का राइट है कि वो उन्हें एजुकेशन मिलेगी, फिफ्थ तक सब स्टडी फ्री है. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.